जिन युवकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अब ये दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। दरअसल इनमें से दो युवकों की मौत हो चुकी है। जिन दो युवकों की मौत हुई वो चौहाना निवासी लवली मेहता और अशिंत मेहता थे। इन दो युवकों की मौत एक सड़क हादसे में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों अपने दो अन्य साथियों के साथ चौहानों से जन नायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली के मंत्री बनने पर उनके शपथ समारोह में चंडीगढ़ पहुंचे थे। इन दोनों ने देवेंद्र बबली के शपथ समारोह में शिरकत भी और फोटो भी खिंचवाए। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन जब ये लोग खुशी मनाकर घर वापस चौहाना लौट रहे थे तो इनकी कार अचानक सड़क से डिवाइडर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि इनकी गाड़ी के आगे गाय आ जाने के चलते इनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया था, जिसके चलते इनकी कार एक डिवाइडर पर टकरा गई और ये हादसा चंडीगढ़ पटियाला रोड पर हुआ। इस हादसे में जहां लवली मेहता और अशिंत मेहता की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन दो अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। चौहाना में लवली मेहता और अशिंत मेहता के घर पर मातम का माहौल है। परिजनों की आंखें नम है। फिलहाल मामले को लेकर हरियाणा सरकार में मंत्री बने देवेंद्र बबली की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चौहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।